हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरव और आज हम बात करने वाले हैं फैट लॉस के बारे में। ओए भाई तू मत चिका, हमें पता है क्रंचेस मारने से फैट लॉस हो जाता है। जाओ ताली। तो गाइस फैट लॉस के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फैट गेन कैसे होता है। तो फैट गेन का मेन रीज़न है हाई कैलोरी डाइट। अब हाई कैलोरी डाइट क्या होता है? सपोज़ एक बंदा है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरी एक दिन की 2500 कैलोरीज है और वो बंदा कंज्यूम कर रहा है 3000 कैलोरीज। अब जो ये 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो कहाँ जा रही है? तो वो उसके बॉडी फैट में जा रही है एज अ ग्लाइकोजन। तो ये था मेन रीज़न फैट गेन होने का। तो गाइस फैट गेन होने के 5 और भी रीजन्स हैं। पहला रीज़न सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी नो फिजिकल एक्टिविटी या फिर लेस फिजिकल एक्टिविटी। जो बंदा जिसकी डेस्कटॉप जॉब है या फिर कोई बंदा जो सिर्फ घर पे बैठ के वीडियो गेम्स खेलता है, उसकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसके फैट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकेंड रीज़न है फैट गेन होने का लिक्विड कैलोरीज। अब जो इंसान लिक्विड कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करता है उसके फैट गेन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो लिक्विड कैलोरीज क्या होता है? लिक्विड कैलोरीज का एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्रूट जूसेस या फिर पर्टिकुलर एग्जांपल ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर का फाइबर हम निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उसका जो फाइबर निकलने के बाद उसका जो डाइजेशन है वो बहुत फास्ट होता है और हमें फटाक से फिर से भूख लग जाती है। थर्ड रीज़न है फैट गेन का एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज वो चीज़ें होती है जिस फूड में कैलोरीज तो भर भर के पर उसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़े भी नहीं है। अब मैं एग्जांपल दे दूँ आपको तो अल्कोहल्स में कैलोरीज भर भर के लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स थोड़े भी नहीं है। ये बहुत एकदम मेन रीज़न है फैट गेन होने का। अगर आप फैट लॉस आपको करना है और आपका फैट गेन ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अल्कोहल कंज्यूम ना करें। गाइस फोर्थ रीज़न फैट गेन का है डेंस कैलोरीज। डेंस कैलोरीज वो जिसकी क्वांटिटी तो बहुत कम होती है बट उसमें कैलोरीज भर भर के होती है। लाइक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं स्वीट्स का। अब स्वीट्स में एग्जांपल गुलाब जामुन का मैं लेता हूँ। एक गुलाब जामुन में जितनी कैलोरीज होती है उतनी 2 रोटी में कैलोरीज होती है। तो अब आप डिसाइड करो आपको क्या खाना है। गुलाब जामुन खाने के बाद हमें भूख फटाक से लगती है और उसको खाने में इतनी कैलोरीज होती है कि कब वो डाइजेस्ट हो जाता है, कब चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए आप स्वीट्स अवॉइड करो अगर आपको फैट गेन से बचना है और फैट लॉस करना है तो। गाइस फिफ्थ रीज़न है फैट गेन का सिंपल कार्ब। सिंपल कार्ब वो फूड है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और हमें भूख बहुत जल्दी लगती है। इसलिए अगर आपको फैट गेन से बचना है और फैट लॉस करना है तो आप सिंपल कार्ब से दूर रहेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा है। अब सिंपल कार्ब्स का मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ बनाना या फिर कोई भी फ्रूट जिसमें फाइबर नहीं हो या फिर कोई भी फूड जिसमें फाइबर नहीं हो लाइक वाइट राइस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको गूगल पे मिल जाएंगे। इन फूड से आपको बच के रहना है। ये हो गई बात फैट गेन की। अब फैट लॉस कैसे करना है ये वीडियो उसी के ऊपर तो है। तो फैट लॉस करने के लिए जैसे मैंने एग्जांपल वो बंदे का दिया था जिसकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 कैलोरीज है लेकिन वो 3000 कैलोरीज ले रहा था, तो उसका जो 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो उसके बॉडी फैट में जाके एज अ ग्लाइकोजन स्टोर हो चुका है। तो अगर अब उसको फैट लॉस करना है तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरी जो 2500 कैलोरीज है उससे उसको 300 या 400 कैलोरीज कम लेनी पड़ेगी। या मतलब उसको अपने डाइट में 2100 कैलोरीज या 2200 कैलोरीज कंज्यूम करने रहेंगे। तो जो बाकी के जो उसको कैलोरीज चाहिए रहेंगे 300 टू 400 कैलोरीज जो उसको चाहिए रहेंगे वो उसके फैट में से कंज्यूम होके आएंगे। इस तरह से उसका फैट लॉस हो पाएगा। यही एग्जांपल आप पे भी है कि आपका जितना मेंटेनेंस कैलोरी है अगर आपको फैट लॉस करना है तो उससे आप 300 या 400 कैलोरीज कम खाइए दिन का तो आपका फैट लॉस होगा। और अगर आपको नहीं पता कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। सपोज़ आपका मेंटेनेंस कैलोरी 2400 कैलोरीज है तो आप उसका 400 कैलोरीज माइनस कर दीजिए तो आपको दिन के 2000 कैलोरीज ही खाने हैं तो आपको फैट लॉस दिखेगा, आपका रिजल्ट अच्छा खासा मिलेगा। ये था गाइस कि फैट गेन कैसे होता है और फैट लॉस कैसे कर सकते हैं हम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। अगर मन कर रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना वरना मर्जी है तुम्हारी यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।